हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे विषाणु वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सा होता है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि विषाणु से होने वाली कौन कौन सा बीमारी है। तो इसका ट्रिक क्या होगा दोस्तों, इसका ट्रिक होगा रेखा हम हीट करके पोएचे छोड़ गई, रेखा हम हीट करके पोएचे छोड़ गई। तो पोएचे को ये पीछे जैसा थोड़ा सा फील ले लें, तो रेखा हम हीट करके पोएचे छोड़ गई, पीछे छोड़ गई। तो रे से रेबिज, खा से खासरा, ह से हपिश, एम से मनिनजाइटिस, ही से हेपाटाइटिस, ट से ट्राकोमा, करक्स साइलेंट होगा दोस्तों, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ड से डग जवार। तो इस तरह करके हम लोग छोटा सा ट्रिक में इसको कंप्लीट याद कर सकते हैं दोस्तों। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विषाणु से कौन कौन सा होने वाली बीमारी है, तो इससे हम लोग कंप्लीट ये याद कर सकते हैं दोस्तों। ईजी ट्रिक है, कंप्लीट इसको एक मिनट में याद कर लें और एक बार लिखने का कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि प्रथम कहाँ से कब हुआ था और कहाँ से हुआ था। तो भारत में प्रथम कब हुआ, क्या चालू हुआ था, तो पहला फ्रेंड्स टेलीविज़न 1959 में हुआ था और ये दिल्ली से हुआ था। मोबाइल 1995 में हुआ था, कोलकाता से हुआ था, तो दिल्ली से कोलकाता से। और बिजली फ्रेंड्स दार्जिलिंग से स्टार्ट हुआ था, रेलगाड़ी बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था, टेलीफोन कोलकाता से स्टार्ट हुआ था और मंथ्स इसमें आया था, रेडियो बॉम्बे में हुआ था, सिनेमा भी बॉम्बे में हुआ था, कंप्यूटर बॉम्बे, विमान बॉम्बे, बस बॉम्बे और साइकिल बॉम्बे। तो ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये याद रखें, साइकिल कंप्यूटर विमान बस, समाचार पत्र कोलकाता से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, डाक सेवा बॉम्बे से स्टार्ट हुआ, क्रिकेट कोलकाता से स्टार्ट हुआ और फुटबॉल बॉम्बे से। तो इसको एक बार लर्न कर लें, ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये बार बार पूछा जाता है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसको भी एक बार थोड़ा देख लें। और इसमें ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना कौन सा है, ऑप्शन में आया जाता है सबसे पुराना कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो बिजली है वो 1772 में है। तो इस तरह का अगर ऑप्शन आता है तो आप इसको एनालिसिस करके बता सकते हैं कि सबसे पुराना कौन सा है और कहाँ से हुआ था, दार्जिलिंग में हुआ था। तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं स्टेडियम उसका स्थान, ये भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा स्टेडियम किस जगह पे है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहला सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में है, वनखाड़े स्टेडियम दोस्तों मुंबई में है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है, फिरोज शाह कोटाला न्यू दिल्ली में है, मिथिलेश स्टेडियम पटना में दोस्तों, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में है, चिना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है, किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में है, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है। तो इससे सारा आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट स्टेडियम और उसका स्थान ये भी पर्व एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा कंप्लीट, और अगर कुछ एक ये भी देख ले फ्रेंड्स, सबसे प्रथम कौन थे, तो ये भी बार बार पूछा जाता था, इस भी देख ले एक बार दोस्तों। पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो ये बार बार पूछा जाता है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, सरदार बलदेव सिंह। पहले वित्त मंत्री कौन थे,
आर पशनमुगम चेटी, पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचार्य। पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत में कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला। पहले केंद्रीय सतर्कता संयुक्त आयुक्त एन श्रीनिवास राव। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, ये पूछा जाता दोस्तों, जीवी मावालंकर। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एम सी सेतलवाड। पहले मंत्रिमंडल सचिव एन आर पिल्ले। पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह जी। पहले वायु सेना अध्यक्ष ए आर मार्शल थॉमस एल्मसर्ट। पहले नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। तो इस तरह का फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर ले, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चन है ये बार बार हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाएं उन लोग से भी और खुद करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।